धन्यवाद गणपति जी, बिना विवान के दिल को ठेस पहुंचाए आज उसकी नजरों में मैं वापस बालवीर बन गया। अरे चिंटू बेटा, अरे मेरा बेटा चिंटू कहां गायब हो गया? चिंटू, रिंकू, अरे रिंकू भी कहीं नजर नहीं आ रहे। सुखली भी यहाँ नहीं है, अभी तो यही थी। अरे आप लोग चिंता मत करो, आरती चल रही थी ना, कहीं जाकर खेल रहे होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन विवान यहाँ है और सारे बच्चे गायब हैं। अरे आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम बच्चे मूर्ति बनाकर थक गए होंगे, इसलिए घर चले गए होंगे। हमें घर जाकर चेक करना चाहिए। करुणा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सब लोग अपने अपने घरों में ढूंढते हैं पहले। चलो चंदा मामा दूर के देख रहे हैं, दूर के तुझको लेकर जाएंगे, तुझको नर्क दिखाएंगे। ए भाई कौन है तुम, और यहाँ खड़े होकर के लोरिया कैसे सुना रहे हो? पंडित हैं हम, दिखाई नहीं दे रहा आपको मिश्रा जी? आज तक तो तुम्हें मैंने भारत नगर में कभी देखा नहीं। अगर नहीं देखा तो शर्म के मारे अपनी आंखें फोड़ लो। अरे रे रे रे। अरे पंडित होकर के ऐसी उल्टी बात करते हो? रुको जरा, तुम अभी मैं तुमको पुलिस से बात कराता हूँ। हेलो गिरपड़े, अरे यार इमरजेंसी के टाइम तुम कहाँ गायब हो जाते हो? मैंने एक संदिग्ध किरदार को पकड़ के रखा है। हाँ तुम जल्दी से आ जाओ। अरे ये पानी की होली कौन खेल रहा है? अरे पंडित कहाँ हो गया? पटनर ये सब क्या हो रहा है? सीनियर बालू कहते ही नहीं बुराई भी आ गई। लगता है तो ऐसा ही है पटनर, बट आई एम नॉट श्योर। अब आएगा असली मजा। पार्टनर, क्या आपको भी वही फील हुआ जो मुझे फील हुआ? हाँ भगवान, मैंने भी इविल फोर्स की कुछ जादू शक्ति फील की। इसका मतलब वो जो कोई भी है हमारे आसपास ही है। चलो उसे ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। कहाँ है वो बुरी शक्ति? गणेश जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। कुछ मिला क्या? देखो भैया, वो जो साइकिल अभी यहाँ थी वो अचानक कहाँ गायब हो गई? नो आइडिया विवान, मैं तो विवान उस बुरी शक्ति को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। देखो भैया मैं उधर जाता हूँ, आप उधर चलो। किस्मत बहुत अच्छी है इस बच्चे की, लेकिन मैं भी राहु केतु से ज्यादा बुरा नक्षत्र हूँ। पड़े वो पंडित के भेष में था अभी, और उसने मुझ पर पानी फेंका। बोरा भी कृपड़े, बोरा ए, तब, ए, ए, तब। वो बुरी शक्ति यहीं कहीं आसपास होगी। मुझे पूरे भारत नगर को स्कैन करना होगा। एक मिनट सुनो, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम्हारा फेस किसी से मिलता जुलता है? और अगर तुम वही हो जो मैं समझ रही हूँ,
तो भारत नगर के बच्चों के माता पिता को तुम्हारे मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि औलाद से बिछड़ने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनकी मदद करने के लिए ही जा रहा हूँ। मतलब मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ, पुलिस आएगी तो बच्चे जल्दी मिल जाएंगे ना, इसलिए अब आपकी परमिशन हो तो मैं कॉल कर लूँ। अगर मैं इन लोगों के साथ उलझ गया तो बालवीर को मेरे यहाँ पर होने का अंदाजा हो सकता है। ए, रुको, रुको, बोले बाहर, बोले रे, अरे, उठे गला, मिश्रा जी, हाँ, तुम पंडित तो ऐसे गायब हो गया जैसे पहली तारीख को मेरी बैंक अकाउंट से मेरी सैलरी गायब होती हो। हैं? वहाँ देखते। हाँ, चल कम ऑन, फॉलो मी। अरे गिर पड़े अंकल, आप किसके पीछे भाग रहे हैं? फिफा, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। भारत नगर के बच्चे एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। बाहर बहुत ज्यादा रेंजर है। रेंजर? अच्छा अच्छा, आपका मतलब है डेंजर है ना? हाँ वही वही, रेंजर बोलो या डेंजर बोलो, बाहर मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मॉम प्लीज मुझे जाने दीजिए, ऐसे में बच्चों की हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी है। अरे अपनी जान को खतरे में डालना कोई ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी? मॉम वो ड्यूटी नहीं होता, वो ड्यूटी होता है। अनफिगर मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं कौन हूँ। ओके, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्या कह रहे थे तुम अभी देख के जी से? मैं क्या बोल रहे थे? मैं यही कि उन्हें पता है कि तुम कौन हो। वो मैं ये कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों का दोस्त हूँ और मेरे दोस्तों को विमान की यानी कि मेरी जरूरत है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी जाना चाहिए। और स्कूल में भी तो ये सिखाया जाता है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। बोलो नहीं, सुनो, तुम अपने दोस्तों के दोस्त होंगे लेकिन सबसे पहले तुम मेरे बेटे हो, समझे? इसलिए कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मम्मी प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज माँ। बिल्कुल नहीं देवकी जी, आपको तो मॉम बुलाता है ना, ये मेरी तो सुन नहीं रहा है, आप ही समझाइए ना इसे। वो अब वो देवकी मॉम ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं खुद उनका हाथ छुड़ा कर भाग रहा था, मैं देखा रहा आपने इसलिए। बोलो नहीं, सुनो, बड़े आए देवकी जी के बदले एक्सक्यूज देने वाले। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे तो कहीं नहीं जाओगे। चलो मेरे साथ। अरे मम्मी मैं आ जाऊंगी। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। विवान, तुमने रिंकू को देखा? देखो वो सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता है, तुम्हें पता होगा। विवान, सुतली को देखा? घर पे नहीं है वो। विवान, करुणा जी, मैंने पूरे घर में देख लिया, छत पे, बेडरूम में, मेरे चिंटू कहीं पे भी नहीं है। अरे आप सब लोग प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, चिंटू, सुतली, रिंकू, खुशी दीदी सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बल्टन है, एंड आई प्रॉमिस वो जल्दी वापस आ जाएंगी। मुझे गणपति बाप्पा पे पूरा भरोसा है, उनकी कृपा से सब बच्चे घर आ जाएंगे। हाँ पापा जी, लेकिन जब तक भारत नगर के सारे बच्चे वापस नहीं आ जाते ना, तब तक हम सबको मिलकर गणपति के आगे जोत जला के प्रार्थना करनी चाहिए। यू आर राइट करुणा जी, चलो। अपनी बल्टन का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? क्या बात है शौर्य? बालवीर, इस समय भारत नगर में जो भी हो रहा है उसके पीछे वही नई बुराई है जिसके बारे में मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। लेकिन कौन है वो बुरी शक्ति और कहाँ से आई है? उस बुराई का स्रोत अभी भी पूरी तरह से मालूम नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि उस बुरी शक्ति का पानी के साथ कोई गहरा संबंध है। पानी? पानी के साथ संबंध? हाँ, और ये बुराई इस समय भारत नगर के आसपास ही मंडरा रही है।
पर से एक बार उस बुरी शक्ति का चेहरा दिख जाए फिर किसी भी कोने में से खोज निकालूंगा मैं उसे। भारत नगर के नन्हे नन्हे कोमल कोमल बच्चे यहां पर आ चुके हैं लेकिन सिर्फ वो एक बच्चा मेरे हाथों से फिसल गया। कोई नहीं, वो कहते हैं ना भूसे की ढेर को आग लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है और यहां पर तो बालवीर के मन में आग लगाने के लिए मेरे पास चिंगारियों की मशाल तैयार हो चुकी है। अब ये बुलाएंगे उसे। अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो सारे के सारे मिलकर उसे बुलाओ। किसे बुलाना है पता है ना? चिल्लाओ चिल्लाओ बालवीर! बचाओ बालवीर! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ हमें प्लीज! बचाओ बचाओ बालवीर! कि बालवीर के मन में आग लग गई। अब वो गुस्से से जलता हुआ यहां पर आएगा तुम लोगों की जान बचाने। लेकिन सवाल ये है कि उस बेचारे बालवीर को मुझसे कौन बचाएगा? बालवीर! अगर इन बच्चों की जान बचानी है तो प्यार से मेरे सामने समर्पण कर दो या फिर अपने दोस्तों की विदाई की तैयारी कर लो। लगता है इस नए मेहमान को पता नहीं है कि उसका सामना एक नहीं बल्कि दो तो बालवीरों से होने वाला है। यह बात केवल मुझे और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास बालवीर की पूरी शक्तियां हैं और ये राज हमारे बीच ही सीमित रहना चाहिए क्योंकि दुश्मन को हमारी ताकत के बारे में जितना कम पता होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। बालवीर! हमें बचाओ बालवीर! बालवीर! बचाओ बालवीर! बस एक पहर के अंदर बालवीर आपके पैरों की धूल चाट रहा होगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बालवीर को फंसाने के लिए चारा तो मैंने डाल लिया है, अब जाल भी बिछा लेता हूं। आप डूबा डूबा हो ना? आपको कैसे पता? वो एक्चुअली विवान ने बताया कि आपको लड्डू बहुत पसंद है। बिल्कुल सही, मैं डूबा डूबा हूँ। वैसे आप विवान की दीदी है ना? है ना? वेरी फनी दीदी। विवान, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ, लेकिन बाहर की सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी हुई है। विवान, बिगड़ी स्थिति में ही तो दोस्त काम आते हैं। वैसे विवान, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? मैं वही पता करने जा रहा हूँ। विवान, तुम बेफिक्र होकर जाओ,
और वैसे मैंने सुना है कि यहाँ गणेश जी की आरती के बाद मोदक नाम की एक मिठाई बांटी जाती है, वो भी लड्डू की तरह बहुत ही स्वादिष्ट होती है। समझी कि नहीं समझी? डोंट वरी डूबा डूबा, मैं आपको बहुत सारी मोदक खिलाऊंगी। जी चलो मैं। हाँ चलो। हाँ एविलफूस, चाहे तुम जो कोई भी हो, गेट रेडी, क्योंकि अब मैं हैंड्स फ्री हो चुका हूँ और आ रहा हूं मैं तुम्हें अपनी लाइफ से फ्री करने। जाने से पहले मुझे भारत नगर के ऊपर एक सिक्योरिटी शील्ड डाल देना चाहिए ताकि मेरी एब्सेंस में कोई भी एविल फोर्स कोई भी चालाकी ना कर पाए। मेरा ये जलपाश बालवीर को दिखाई नहीं देगा और वो किसी जानवर की तरह इसमें आकर फंस जाएगा। यही जा रही है वो निगेटिव एनर्जी, इसका मतलब यही है वो हिडन रास्ता। तुम हो बालवीर? इसका मतलब यह है कि खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। तुम्हें ना मैं अपनी इन दो उंगलियों के बीच में मसल दूंगा। शौर्य, इस समय विवान की जान खतरे में, मुझे विवान की मदद करने के लिए जाना ही होगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो बुरी शक्ति कौन है, कहां से आई है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका मकसद क्या है, इसलिए मैं अभी विवान की मदद करने के लिए जा रहा हूं। रुको बालवीर, तुम किस रूप में जाकर विवान की मदद करोगे? क्योंकि विवान की नजर में अभी केवल तुम्हारा वीर स्नान हुआ है। अगर तुम उसके सामने बालवीर बन के जाओगे तो तुम्हारा भेद खुल सकता है। आप सही कह रहे हैं, और मैं देवो बनकर जाऊंगा तो उसकी मदद भी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आखिर मैं क्या करूं? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाथी के सामने चींटी खड़ी है। यही तो मिस्टेक कर दिया आपने विलेन अंकल, क्योंकि अगर ये चींटी आपके सूंड में घुस गई ना तो आपको घुटने टेकने पड़ जाएंगे। ओले 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 बाबा बालवीर, धमकी देते वक्त बड़े प्यारे लगते हो। तुम्हारे इस छोटे से शरीर में जुबान बहुत लंबी है, ये तो मुझे पता चल गया। अब आगे आओ, अपनी शक्तियां दिखाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। देखो कितने प्यार से और उम्मीद से बुला रहे तुम्हें अपनी मदद करने के लिए। तुम्हें आना चाहिए, आओ। ये विलेन अंकल मुझे आके बुला रहे हैं, बट खुद अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, क्यों? ओ, तो ये सीन, विलेन अंकल ने लैंड माइंस बिछा रखा है रास्ते पर, लेकिन इनकी आईज बार बार नीचे जा रही है। क्या हुआ बालवी, अपने दोस्तों की मदद नहीं करोगे? Come on, partner!
तुम कौन हो? दिल से बुलाया, बालवीर आया। तू तो बालवीर। विवान, लगता है जोर का झटका लगा उसे, दो दो बालवीर एक साथ देखकर इसलिए भाग गया। वैसे भैया, झटका तो मुझे भी लगा है, क्योंकि अभी तक आपको पूरी शक्तियाँ भी नहीं मिली और आपने मेरी हेल्प कर दी। अरे विवान, अब थोड़ी अपनी पावर भी तो यूज की मैंने। बालवीर हमें बचाओ, बालवीर, बालवीर हमें यहाँ से बाहर निकालो। बालवीर भैया, हमें भारत नगर के बच्चों को इन मॉडल्स में से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे विवान, वो मिस्ट्री मैन तो यहाँ से भाग गया, हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है और उसका नाम क्या है। विवान, क्या संभालने की बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि गणेश जी सब संभालेंगे। प्रेक्षक नाम है मेरा। हम आपका नाम जान के क्या करेंगे प्रेक्षक अंकल? मैं वो मुसीबत हूं जिससे तुम जितना टकराओगे वो उतनी ही बड़ी मुसीबत बनती जाएगी, इसीलिए कह रहा हूं प्यार से समर्पण कर लो। तुम्हारे दोस्तों की भलाई उसी में है। ये बातें बनाना बंद करो और मेरे दोस्तों को इन बॉटल से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें ऐसा पंच मारूंगा जिससे तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से तुम वापस आने का सोच भी नहीं सकते। वो तो मैं तुम्हें बताने से रहा। अच्छा, क्या हुआ, तुम्हारे मुक्के में सिर्फ इतनी ताकत है? ये शक्ति तो पानी से बनी हुई है, इसके ऊपर पंच का कोई असर नहीं होगा। तुम चाहे मुझ पर जितना वार करना है कर लो, मैं तुम पर कोई वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। प्रेक्षक पलट कर अटैक नहीं कर रहा, मतलब वो चाहता है कि विमान उस पर अटैक करता रहे। विमान, ये उसका ट्रैप है, डोंट पंच, रुक जाओ। इसी ट्रैप में तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उन लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे इस बेड़ी की गुफा में जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नो विमान, लेकिन तुम लोगों को याद नहीं रह सकता। क्या हुआ बड़े बालवीर? छोटा बालवीर गायब हो गया तो बड़े बालवीर की बोलती बंद हो गई। We'll be right back.
रिंकू भैया से इतनी दूर से कैसे कनेक्ट करूं? आइडिया, रिमोट कंट्रोल। वेरी गुड विवान, अब तुम मुझे अपनी पावर से रिमोट कंट्रोल करोगे। फैंटास्टिक, इट वर्क। हमारे माइंड सब चेंज हो चुके हैं। मैं अब अपनी पावर देवो भैया की बॉडी पर ट्रांसफर कर सकता हूँ। यस। छोटे भैया, तुम्हारी फायर पावर से इस प्रेक्षक की वाटर पावर को भाप बना दिया मैंने। प्लीज थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पावर भेजो। श्योर भैया, अब डबल फायर लीजिए। ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे? कहीं ने सच का पता ना चल जाए। अरे डोंट वरी देवू भैया, ये आपको घूर नहीं रहे, बल्कि ये ब्लैंक है क्योंकि मैंने इनकी इस सिचुएशन की मेमोरी क्लीन कर दी है। वाह। विवान, तू यहां भी है और तू वहां भी। अपने टिकट के बारे में तो भूल ही गया था मैं। मम्मी, वो क्या हुआ ना कि नहीं सुनो, तू मुझसे पहले इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? हाँ अरे मम्मी, मैं वही बता रहा हूँ। आई बोल कि मैं मेरे फ्रेंड्स को लौटता थे, कुछ ज्यादा ही एक्सीडेंट हो गया और आपने मैंने बोल दिया। माँ माँ, अब विवान की कान बाद में किस लीजिएगा, अब पहले गणपति जी को थैंक यू बोल देते। गणपति अप्पा। तिम्नासा का ये संदेश बहुत समय से मेरा पीछा कर रहा है, कहीं ये उस प्रेक्षक से तो जुड़ा हुआ नहीं है। अब मुझे इस संदेश को देख ही लेना चाहिए।
बहुत देर कर दी तुमने संदेशा खोलने में बालवीर। खैर जानकर खुशी हुई कि मेरे मरने के बाद भी तुम्हारे अंदर मेरा खौफ है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सलामी दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे उस छोटे बालवीर को जिसने इतनी हिम्मत और बहादुरी के साथ मेरा सामना किया और मेरा अंत किया। सचमुच तारीफ के लायक है वो सब। लेकिन बालवीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो वो भरोसे के लायक है भी कि नहीं? बहुत ही भोले हो तुम बालवीर, जितने बहादुर उतना भोला बालवीर। लेकिन जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो क्या वो भरोसे के लायक हैं बालवीर? क्या कभी तुम्हारी उस शौर्य ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे माता पिता कौन है? क्या कभी उस शौर्य ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा परिवार कौन है? कभी बताया उन्होंने कि क्या हुआ तुम्हारे परिवार के साथ? मैं बताती हूँ। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। और फिर सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाकर उन्होंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। शौर्य से बड़ा शातिर और कोई नहीं है बालवीर। तरस आता है मुझे तुम्हारे ऊपर। जिन लोगों ने तुम्हारे पिता को मारा, जिन लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा, तुमने उन्हीं लोगों का साथ दिया, उस शौर्य का साथ दिया। अब कैसे जिएगा बालवीर इस सच के साथ, इस कड़वे सच के साथ? कैसे देखोगे अपनी ये शक्ल आईने में कि जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा तुम उसी का साथ देते आए? हिसाब बराबर हो गया। ये कौन से हिसाब किताब की बात कर रहा है? बताओ कैसे लगे बर्गर? मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी बर्गर थे। चिंटू किससे बात कर रहा है? और सारे बर्गर कहाँ गए? अरे भारत नगर के पीछे जो क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है वहाँ मिश्रा फैमिली की तरफ से 100 बर्गर दान में दिए जाने थे। चिंटू बर्गर कहाँ है? वो क्या है ना बाबा, आज मैंने थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट किया था इसलिए मुझे बर्गर को देख के भूख लग गई, तो मैंने सोचा ये बर्गर तो वैसे भूखों के लिए है इसलिए खा लिए। अरे मैं अब क्वारंटाइन वालों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? यही वाला मुंह दिखा देना बाबा, इसमें क्या खराबी है? अरे अंकल मेरे पास एक सलूशन है। क्या? ये एंटिक हेलमेट। इससे क्या होगा? वो अंकल क्या है ना कि पुराने जमाने के सैनिक ना इसी हेलमेट को पहनकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। सो आप इस हेलमेट को चिंटू को पहनाकर अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या हुआ अंकल, किस सोच में पड़ गए? समझे नहीं मैं आपको डेमो तो ओके। चिंटू अपना सर आगे कर। अंकल देखिए ना। चिंटू सर आगे कर। जरा देखा अपने पापा को? ये देखिए अंकल, ये लॉक भी हो गया और यहाँ पे चाबी भी है, लग गया इसके मुंह पे ताला। पापा अगर हमने इसमें ताला लगाया ना तो मैं ताला तोड़ दूंगा। अरे मैं ताला तुम्हारे मुंह पे नहीं, तुम्हें घर में बंद करके ताला लगाऊंगा। अभी के अभी निकलो यहाँ से, चलो चलो निकल निकल। बाय बाय चिंटू, ऑल द वे। चल अंदर चल। अरे चल अंदर। माँ, जब भी आपसे मिलने आता हूँ बस यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे पहचान लेंगी और अपना हाथ मेरे सर पे फेरेंगी। अब तो मैं ऐसा कभी अंत हो चुका है, अब तो आप मुझे पहचान रही है ना माँ?
ही भोले हो तुम बालवीर। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। ये तिमना सा बार बार क्या बोल रही है? क्या मेरे माता पिता का कोई राज है जिससे मैं अनजान हूं? मुझे ये सच जानना ही होगा। हाँ, एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है माँ। मैं आपसे उसका जवाब चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा सच कह रही थी या फिर वो मेरे मन में शक का बीज बोना चाहती थी? क्या ये उसकी आखिरी चाल थी या फिर सच में कोई ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? किस राज के बारे में जानना चाहते हो बालवीर? ताकि यो इस बोरी के लिए तो किसी को बुलाना पड़ेगा। ड्राइवर साहब, इस बोरी को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाने में हेल्प कर दो। विवान, तूने इतनी भारी बोरी कैसे उठा लिया खुद? वो क्या है ना मम्मी, आपको तो बताइए ना कि छेड़ा अंकल की बोरी में आधी तो हवा ही होती है, बिल्कुल पोटैटो चिप्स की पैकेट की तरह। इसलिए आराम से आप ये मुझे दीजिए ना। अरे आप लोग रख दिया? थैंक यू, बात करते बहुत काम है। देखा तो कितना बदल गया है विवान। पहले तो लोग तेरी कंप्लेन लेकर मेरे पास आते थे और अब उससे वैसे तो तू बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया है। तेरी मॉम को तुझको गर्व है बेटी। थैंक यू। वैसे देवू कहाँ है? मैं जानता हूँ कि हमारा काम भाई को खत्म करना है, लेकिन ये वीर लोग का नियम भी है कि बुराई का खात्मा करते समय, उससे लड़ते समय हमारे हाथों किसी भी प्राणी की जान नहीं जानी चाहिए, वरना हम में और बुराई में क्या अंतर रह जाएगा? और मैं यही तो पूछना चाहता हूँ शौर्य, क्या हमेशा इस नियम का पालन हुआ है? क्या आज तक कभी भी किसी भी प्राणी की जान वीर लोग के किसी भी वासी के हाथों नहीं गई? तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो बालवीर? शौर्य, मैं बस यही जानना चाहता था कि लड़ाई के मैदान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से चूक हो जाती है, क्या आज तक वीर लोक में किसी से भी कोई भी चूक नहीं हुई? मेरे हाथों से कभी किसी निर्दोष की जान नहीं गई है बालवीर। तुम्हारा शौर्य, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। जिसकी जान मुझे लेनी पड़ी, अगर उस व्यक्ति को रोका नहीं जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अरे अरे बालवीर, तुम आ गए, विमान भी आ गया होगा ना? चलो चलो, मुझे और 18 मोमबत्तियां जमा करने में मदद करो, चलो। अरे लेकिन डुबा डुबा, इतनी सारी मोमबत्तियों का करोगे क्या तुम? आज शौर्य दिवस की 20वीं सालगिरह है, तो हमने सोचा कैसे धरती वाले केक पर मोमबत्तियां सजाते हैं। ठीक वैसे हम भी 20 मोमबत्तियां जलाएंगे। अरे शौर्य दिवस की खुशी का कारण सुबह से मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है, धपड़ 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 धपड़। लेकिन आखिर 20 साल पहले ऐसा हुआ क्या था?
साल यानी कि 7,300 दिन यानी कि 58,400 पहर। सालों से मैं सोया नहीं हूं मिलसा। शिंकाई की इन गहराइयों में हर रोज हर पल खुली आंखों से बस एक ख्वाब देखता आया हूं मैं। इस दुनिया की तबाही का ख्वाब, क्योंकि इस तबाही की राख से ही मेरी हुकूमत का सूरज निकलेगा। आपके इस ख्वाब को किसी की नजर ना लगे बामबाल श्री, पानी के अंदर हूं वरना काला टीका लगा देती। नजर लगाना तो दूर की बात है मिलसा, अगर कोई हमारे सपने को आंख उठाकर भी देख ले तो उसकी आंखें निकाल कर उसे ही नजराना कर देंगे। अपना सपना तबाही, तबाही। लेकिन इस तबाही के ख्वाब को हम पूरा कब करेंगे बम्बाल श्री? सब्र मिलसा, सब्र। आज से 20 साल पहले किस्मत का एक तारा टूटकर शिंकाई की इस गहराई में आकर गिरा था, और उसी के साथ आ गिरी थी एक ऐसी छुपी ताकत जो आज आजाद होगी, और उस ताकत की मदद से मैं इस शिंकाई धरती और आकाश पर राज करूंगा। हम जासो वारेड आंटी, एक घंटे में भारत नगर के पीछे जो क्लोज कॉलेज है वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आप देखिए ना, अभी तक बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स, ये सब कुछ भी वॉश नहीं हुए हैं। यू उदास होना और अकेले में रोना, इस इंजूरियस 12 जने ने दीदी। मैं रो कहाँ रही हूँ विवान। हाँ, लेकिन एक घंटे में अगर ये सब कपड़े नहीं धुले तो पक्का रोने लगूंगी। अरे फिक्र ना करने ना दीदी, मैं ये सारे बेडशीट एक घंटे के पहले धो दूंगा, आई प्रॉमिस। अरे 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 बोलो नहीं सुनो, ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए बेटा जो पूरा ना कर सको। आई एग्री माँ, लेकिन आप ही ने तो सिखाया है जहाँ होती है चाह वहाँ होती है राह, जहाँ बिल वहीं पर स्किल। अच्छा तो तेरे पास कोई मैजिकल स्किल है जिससे एक घंटे में सारे कपड़े धुल जाएंगे? ऑफ कोर्स माँ। हैं? अरे नहीं नहीं, भारत नगर में टोटल कितने घर है? 20 घर बराबर। तो अगर मैं हर घर में 5 बेडशीट धोने के लिए दे दूं तो 25 से 100 बेडशीट आराम से एक घंटे में धुल जाएंगी, बिल्कुल किसी मैजिक की तरह, है ना, है ना नैना दीदी? या विवान यू राइट, आखिर मैं भी कितनी बड़ी डफर हूँ ना, जिन घर से जाके बेडशीट्स लेके आई थी उन्हीं से धुलवा के लेके आ जानी चाहिए थी। बट डोंट वरी आंटी, विवान सब संभाल लेगा। चलिए हम चलते हैं। कहाँ?
क्वारंटीन सेंटर आंटी, वो एक्चुअली ना वहाँ पे 100 लोगों के खाना बनाने का अरेंजमेंट करना है, और आपसे बेटर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है? हाँ हाँ, ऑफकोर्स ऑफकोर्स, ठीक है चलो। मुझे लोहे का हेलमेट पहनाने वाला था ना विवान, अब मैं तेरे ऊपर ऐसा बाउंसर डालूंगा कि तू रात को सोते समय भी हेलमेट पहन के सोएगा। मैं आज छुपे छुपे विवान को लेसन कैसे सिखा सकता हूँ? अगर मैं इन सारे बच्चे को मिनी साइज में कन्वर्ट कर दूं, तो ये सारे बच्चे एक ही बार में तुल जाएंगे। यस। मैं इतना छोटा कैसे हो गया? कहाँ गया? लगता है तो मेरी सही में वाली धुलाई होने वाली है, वो भी सूरमा डिटर्जेंट पाउडर से। कोई तो बचाओ, हेल्प मम्मी। और कितनी दूर जाना है बम्बालश्री? सबसे कीमती मोती सबसे गहरे पानी में ही मिलता है मिलसा, और सबसे बड़ी कामयाबी सबसे ज्यादा सब्र करने वाले को ही हासिल होती है, और मैंने तो इस दिन के लिए 20 साल सब्र किया है। विवान, हनीबरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोशल सर्विस, क्वारंटीन सेंटर के लिए बेडशीट धो रहा हूँ। आज वी लोक में इतना बड़ा समारोह है, वहाँ तुम्हारी जरूरत है और तुम यहाँ कपड़े धोने में व्यस्त हो? बस एक मिनट ध्वनिबरी, यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूँ, फिर आपके साथ आ जाऊंगा। आफ्टर ऑल ये मेरा पहला शौर्य दिवस है, आई एम वेरी एक्साइटेड। इन छोटे छोटे क्यूट मैजिक से लाइफ कितनी सिंपल और फास्ट हो गई है ना? ये देखिए मम्मी, हेल्प प्लीज। कोई तो मुझे मशीन से बाहर निकालो। विवान, मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। अरे फिक्र नॉट ध्वनिबरी, ये वॉशिंग मशीन की आवाज है। धुल गए कपड़े। चिंटू, विवान, तो ये है तुम्हारी सोशल सर्विस? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ये चिंटू अंदर किसे कुछ किया। मुझे चिंटू की मेमोरी और नजर दोनों क्लीन करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी चिंटू। विवान, तू मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है? और मैं तेरे घर पे क्या कर रहा हूँ? मैं तो थका हुआ फील क्यों कर रहा हूँ? लगता है मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। हाँ सो जाओ सो जाओ। विवान, सॉरी ध्वनिबरी, अगर आप मुझे इतना घूरेंगे तो मुझे नजर लग जाएगी, सो प्लीज स्माइल एंड लेट्स गो। मैं शौर्य दिवस के लिए लेट नहीं होना चाहता, चलिए। वीरलोक के मेरे साथियों, आप सभी को शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया, तो आप यहाँ थे, शौर्य दिवस की तैयारियां करवा रहे थे? अब हाँ विवान, अब धरती लोक पे तुम सोशल सर्विस कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे वीर लोक सर्विस कर रहा था। हर वर्ष की तरह हम शौर्य दिवस की शुरुआत शक्ति मशाल को प्रज्वलित करके करेंगे। ये शक्ति मशाल
वीरलोक की अच्छाई की शक्ति का प्रतीक है और इसे प्रज्वलित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बालवीर को। विवान, शौर्य कौन से बालवीर की बात कर रहे हैं? आई थिंक इस बार दोनों बालवीर को कह रहे हैं। ओ, हाँ। शौर्य मुझसे छिपा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था 20 साल पहले? तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ मिलसा। ये रहा वो नायाब शानदार करिश्मा जो 20 साल पहले यहां आ गिरा था। ये क्या है बंबाल श्री? इतना बड़ा अंडा वेल का है? वेल अंडे नहीं देती मिलसा। ये अंडा नहीं है, ये अंडा नहीं है, किस्मत का खजाना है। वैसे तो अंडे से जिंदगी मिलती है, लेकिन इस अंडे से मिलेगी मौत। मुझे किसी तरह पता करना होगा कि आखिर हुआ क्या था, किसका वध किया है शौर्य ने, और दमनासा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने माता पिता के गुनेगारों का अनुयायी हूं। भैया वो देखो वहां पे। हाँ। हाँ। अब विवान, क्या तुम्हें पता है कि शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है? सीनियर, मैं तो शौर्य दिवस पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, सो आई हैव नो आइडिया। ओह, लेकिन विवान तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुम बालवीर हो। एक काम करो, तुम जल्दी से इस बारे में शौर्य से पूछो, क्योंकि मेरे पेट में तो हेडेक हो रहा है। मैं और देर तक ये सीक्रेट के लिए वेट नहीं कर सकता। पूछो पूछो जल्दी। हाँ। पूछो। शौर्य, क्या मैं जान सकता हूँ इस शौर्य दिवस की इम्पोर्टेंस क्या है? क्या आज आपका बर्थडे है? लेकिन बंबाल श्री, आपसे एक बात पूछनी है। ये अंडा तो यहाँ 20 सालों से पड़ा होगा, तो फिर आज के दिन में ऐसा क्या खास है जो कल नहीं था? क्योंकि 20 साल पहले आज ही के दिन मेरी मुलाकात हुई थी वीरलोक के जयकास। आज से 20 वर्ष पहले की बात है, वीरलोक में एक बहुत ही निपुण रसायन विशेषज्ञ हुआ करता था। रसायन? भैया रसायन मतलब केमिकल में एक्सपर्ट साइंटिस्ट ऐसा कुछ? वीरलोक के फूल पौधों का इस्तेमाल करके वो रसायन शास्त्री कई तरह की दवाइयां और चमत्कारी तत्व बनाया करता था। उसका नाम था जयकास। जयकास तंग आ चुका था शौर्य के शराफत भरे बेकार भाषणों से। शराफत होती ही है तकलीफ देने वाली चीज। मुझे तो शराफत को देखकर घिन आने लगती है। उसे भी आने लगी थी। शराफत सपनों के आड़े आ जाती है और जयकाज सपने देखने लगा था मेरी तरह। गलत राह पर चलने लगा था जयकाज। पहली बार कोई दिलेरी का काम करने जा रहा था जयकाज। अपने घमंड में चूर जयकाज ने
एक कवक नाम के जैविक हथियार का निर्माण किया, जिसके इस्तेमाल से वो इस धरती को 2020 में पूरी तरह से नष्ट करके धरती पे राज करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई बढ़िया काम कर पाता, शौर्य की बुरी नजर पड़ गई उस पर और जयकास को अपने कवक और दो छोटे बच्चों के साथ वीरलोक से भागना पड़ा। और वीरलोक से भागने के लिए जयकास ने इस जहाज का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा जो वीरलोक के नियम के विरुद्ध है। जयकास ने कभी नहीं ये सोचा था कि वो अच्छाई का पहरेदार शौर्य, जो सबको शराफत का पाठ पढ़ाता है, वो खुद जयकास पर पीछे से हमला करेगा। लेकिन जयकास ने भी पलटकर शौर्य पर वार किया। लेकिन जयकास के जवाबी हमले में एक धमाका हुआ और उसमें जयकास का विमान नष्ट हो गया। जयकास का एक बेटा विमान से फिसलकर एक रेगिस्तान में गिरा और उसका दूसरा बेटा जहाज के साथ यहां शिंकाई की गहराइयों में आकर गिरा। लेकिन जयकास ने मुझे बताया कि उसने अपने दूसरे बेटे को इस कवक के अंडे के अंदर सुरक्षित छिपा कर रखा है, इसलिए मैंने इस जगह के चारों तरफ एक पाश बांध दिया ताकि शौर्य उसे ढूंढ न सके। मैंने जयकास के दूसरे बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो मुझे वो विमान मिला और ना जयकास और ना ही उसका दूसरा बेटा। शायद उनका अंत उस विमान दुर्घटना में हो गया। लेकिन मरने से पहले जयकास ने मुझे ये बताया कि 20 साल के बाद इस कवक के अंडे से उसका दूसरा बेटा बाहर आएगा, जो कि इतना ताकतवर होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाएगी। 20 साल पहले अगर हमने जयकास को नहीं रोका होता तो उसके कवक हथियार से 2020 में पूरे संसार का सर्वनाश हो चुका होता। ओह, तो इसी विक्ट्री को याद करने के लिए हम शौर्य दिवस मनाते हैं, राइट? ये तो बहुत ही खुशी का दिन है। तो इसका मतलब ये है कि शौर्य की गलती की वजह से हमें जयकास का बनाया हुआ ये कवक का अंडा मिल गया। शौर्य को अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मिल्सा। मैं जयकास की मौत को बेकार नहीं जाने दूंगा। आओ वीरलोक के निवासियों, आज मेरे साथ तुम सब शपथ लो। हम शपथ लेते हैं कि हम इस संसार में अच्छाई को हमेशा जिंदा रखेंगे। मैं ये कसम खाता हूं कि मैं इस दुनिया ही नहीं, इस पूरी कायनात से अच्छाई की नस्ल को मिटा कर रख दूंगा। चाहे अच्छाई की रक्षा के लिए हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे अच्छाई को मिटाने के लिए मुझे किसी की भी जान लेनी पड़े। हम प्रण लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में सुख और शांति की रोशनी को अनंत काल तक फैलाते रहेंगे। मैं बम्बाल यह कसम खाता हूं इस संसार से अमन और खुशी को ऐसे खत्म करूंगा कि अच्छे लोग अच्छाई के नाम से भी डर जाएंगे। अपना सपना तबाही तबाही। दुनिया को तबाह करने का हमारा ये 20 साल पुराना सपना सच होने जा रहा है। वैसे बम्बाल श्री, एक बात बताइए, समुद्र की गहराइयों में जहाँ हजार हाथियों के बराबर का वजन होता है, वहाँ 20 साल से पड़ा हुआ ये कवक का अंडा फूटा नहीं, तो इसे हम कैसे फोड़ेंगे? तुम्हारे इस उम्दा सवाल का मैं तुम्हें एक शानदार जवाब देता हूं मिल्सा, और जवाब सिर्फ 3 लफ्जों में, लिम्पार का वार। लिम्पार का वार,
अगर हम दोनों रानी लिम्पार के पास गए तो वो इस अंडे के साथ साथ हमारे भी टुकड़े टुकड़े कर देगी। हम लिम्पार के पास नहीं जाएंगे, लिम्पार हमारे पास खुद आएगी। तो देखो भैया, शौर्य दिवस तो बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया और आपने शपथ भी ले ली। सो अब शौर्य ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिसे पूरा करने की अब मेरी बारी है, और वो ये है कि मैं आपको बालवीर की शक्तियाँ लेने के लिए रेडी करूंगा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ओ, यानी कि आज से तुम मेरे गुरु? भैया, गुरु थोड़ा ओल्ड फैशन वर्ड है। आप चाहे तो आप मुझे अपना कोच बुला सकते हैं। हाउ इज इट? हाँ, तो आज से तो मेरे छोटे कोच। ओके, तो बताओ क्या करना है मुझे, ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होगी? सुदीप भैया, आज का आपका पहला डांस शुरू करते हैं इस फुटबॉल से। इस वक्त विवान को बहुत सारे राज एक साथ पता चले हैं। अगर अभी उसे पता चला कि नकाबपोश भी एक छलावा था तो उसके दिल को चोट पहुंच सकती है। बालवीर होते हुए अब बालवीर बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, पर क्या करो, शौर्य की आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। क्या हुआ देवो भैया? इस बॉल का करना क्या है? ओके, तो बहुत ही सिंपल टास्क है। आपको इस बॉल को इतनी जोर से मारना है कि ये मेरे ऊपर से जाकर उस दीवार को टकराए। ओके, इजी, डन। देवो भैया, देवो भैया, आपको इसे बिना किक किए मारना है। है? बिना किक किए मारना है? यस। कैसे मारूंगा, इस हाथ से? अरे नहीं नहीं देवो भैया, रुकिए, ना लात से ना हाथ से, आप इसे मारेंगे अपने जज्बात से, यानी कि अपने दिमाग की पावर से। दिमाग की पावर्स? यस। लेकिन विवान, दिमाग के पास पैर थोड़ी ना होते हैं। देवू भैया, दिमाग के पास पैर से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है, और वो है इमेजिनेशन के वेग, जिसकी मदद से आप जहाँ चाहे उड़कर जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। विवान, अब ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ। एक काम करो, तुम मुझे कोई मैजिकल मंत्र दे दो जिससे मैं इस बॉल को यूं चुटकी में उड़ा दूंगा। भैया, मंत्र तो मैं आपको दूंगा ही, बट उससे भी बड़ा मंत्र होता है अपने दिमाग को शांत रखना, क्योंकि असली पावर हमारी ब्रेन में ही होती है। ओके, सो रेडी? हाँ, मैं आपको एक पावर दूंगा। रेडी, रेडी। विवान, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये चिंटू इधर आया है तो पक्का विवान के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आया होगा। वो रही रानी लिम्पार, चलो इस मछली को अब कांटा डाला जाए। बंबाल, यहां मेरे इलाके में यहां आने की हिम्मत कैसे की तूने बंबाल? वो क्या है ना रानी लिम्पार, कि मैं यहाँ से जा रहा था तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रुककर तुम्हें ये बता दूं कि तुम इस समंदर की सबसे बदसूरत मछली हो। देखो झूठ नहीं बोलूंगा लिम्पार, लेकिन तुम्हें देख के जी कुछ खराब सा हो जाता है। दिल करता है कि आंखें निकाल के इस समंदर के पानी में धो लूं।
फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुम्हें मार कर इस समंदर की बदसूरती को कुछ कम करूं। मैं जानती थी एक दिन तुम्हारा घमंड सर चढ़ के बोलेगा। लो, मरने में भी इतने नखरे। अरे कभी तो कोई काम बिना चिड़े किया करो। ये पहली और आखिरी चेतावनी है, लौट जाओ यहां से। चले जाओ वरना मारे जाओगे बंबाल। लिम्पार का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब मैं इसे अपने इलाके में ले जाकर अपना मकसद पूरा करूंगा। छी 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 लिम्पार, इतना कमजोर वार। ये पूंछ पे कुछ मोम लगा रखा है क्या? धार को और तेज करो लिम्पार। फंस गई लिम्पार कांटे में। सबसे बड़ा कांटा मैजिक के रास्ते में होता है फोकस की कमी। इसलिए मैजिक का सेकंड रूल है फोकस, माइंड और बॉडी दोनों का कंप्लीट फोकस। सही है विवान, मेरा दिया ज्ञान मुझे ही चिपका रहा है। लेकिन ये चिंटू क्या करने की कोशिश कर रहा है? विवान तू मुझसे पंगा लेकर यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है। आज मैं तुझे साइकिल से ऐसी टक्कर मारूंगा जो फुटबॉल बनकर दीवार के उस पार पहुंच जाएगा। डोंट मेस विद द चिंटू मिश्रा। सो इज दैट क्लियर भैया? हाँ विवान, सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ क्लियर हो गया। अब मुझे अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके फोकस में लाके इस बॉल को किक मारना है, राइट? करेक्ट, वेरी गुड। जल्दी से इस बॉल को किक मारिए बिना अपनी जगह से हिले। ओके कम ऑन, माइंड को शांत रखिए, फोकस कीजिए। हाँ। कैलोरीज तो बर्न हो रही है, मतलब साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही? विवान, विवान एक काम करो ना, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम मुझे एक बार करके दिखा। क्या देवो भैया, आपने मुझे कितनी बार दुश्मनों को किक से उड़ाते हुए देखा है, अब सिर्फ एक फुटबॉल के लिए आपको डेमो देना पड़ेगा। विवान एक बार ट्राई करो ना, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम मुझे एक बार डेमो दे दो, इजी रहेगा मेरे लिए। ओके, ध्यान से देखना, तो सो माइंड को शांत रखते हैं, फोकस करना है बॉल के ऊपर। अरे मम्मी, मुझे चकमा देना इतना आसान नहीं है लिम्पार। बंबाल, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो मेरी एक पूंछ की वार ही काफी है। लिम्पार को जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उसकी पूंछ में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होगी। धार को और तेज करो लिम्पार। अब तो मेरी पूंछ से नहीं बच पाएगा।
मेरी स्विट्जरलैंड वाली साइकिल। देखो देखो भैया, अगर फोकस ना हो ना तो लोग साइकिल से गिर भी सकते हैं। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मम्मी। देखा। तो हम कहाँ थे? तो मुझे फोकस का डेमोंस्ट्रेशन देने वाले थे। करेक्ट। देखो भैया, यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है, हम कहीं और चलें? चलो। हाँ, चलो। अरे वाह, बामबाल श्री लिम्पार तो ले आए अंडे के सामने। अब तो पूछ से अंडा तुड़वा ही लेंगे। मैं तो कहता हूँ रानी लिम्पार, हार मान लो और लौट जाओ वापस। और जाकर कह देना अपनी बहनों से कि ये पूछ चलाना छोड़कर चूल्हा चौखट कर लें। शुरू करते हैं। सो भैया ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पीछे जाइए, वहां खड़े रही ये। अब मैं इस बॉल को बिना टच किए किक मारूंगा। ध्यान से, माइंड को शांत रखना है, फोकस करना है, फोकस। ओके। वाओ, वेरी नाइस छोटे कोच, गुड। भैया यही चीज आपको भी करनी है। भैया रेडी? हाँ विवान, लेकिन ये करते कैसे? मतलब थोड़ी थियरी समझा दो ना तो इजी पड़ेगा। भैया थियरी बहुत बड़ी, अब प्रैक्टिकल करता है। कम ऑन, एक बार ट्राई तो कीजिए। कम ऑन भाई, फोकस, माइंड को शांत रखिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। अगर पहली ही कोशिश में प्रैक्टिकल में पास हो गया तो विवान को डाउट हो सकता है, इसलिए देबो मिस्टेक तो बनती है। कभी कभी दोस्तों के बजाय दुश्मनों को भी बेवकूफ बनाकर काम निकलवाना पड़ता है। भैया ये क्या है? अरे भैया फिकर नॉट, सुई के अंदर धागा डालने के लिए भी बहुत कोशिश लगती है। सो ये तो मैजिक है, सो डोंट वरी। ये लीजिए, एक और बाइट ट्राई कीजिए। कम ऑन, इस बार हो जाएगा। कम ऑन। कमाल कर दिया आपने बम्बाल श्री, कमाल। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बम्बाल श्री? जयकाज के बेटे को इस अंडे से बाहर निकालना।
आई प्रॉमिस देवो भैया, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। अभी तुम लड़खड़ा रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन बहुत जल्द मेरे साथ मिलकर तुम पूरी दुनिया को घुटनों पर गिराओगे। ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी भैया, बट आई प्रॉमिस आप सब जल्दी सीख जाएंगे और फिर आप और मैं मिलकर इस दुनिया से बुराई का दी एंड कर देंगे। सो गेट रेडी भैया। हम दोनों मिलकर इस दुनिया से अच्छाई और शराफत का नामो निशान मिटा देंगे। अपना सपना तबाही तबाही। सो देवू भैया, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छी रही। वेल डन। रिवान, मेरे पास तुम्हारे जैसा छोटा कोच हो तो फिर मुझे डरने की क्या बात, मैं तो फटाफट सब कुछ सीख जाऊंगा, है ना? मिश्रा फैमिली सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूर, अरे इंपोर्टेड है भाई, दूर दूर। बहन जी क्या कर रही हैं? वहां पर क्या हो रहा है? पता नहीं अब कौन सा नया पंगा कर रहे हैं ये मिश्रा फैमिली वाले। चिंटू चिंटी शरारत करने से फ्री होता है तो अंकल आंटी शुरू हो जाते हैं। अभी जाकर चेक करना पड़ेगा। विवान, तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर सबको चेक करो, सबको संभालो, तब तक मैं क्वारंटाइन सेंटर की तैयारी देख कर आता। ओके जाओ। बहुत ही भोले हो तुम बालवीर। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। मेरे मन में जो अनसुलझी पहेली है उसका क्या करूं? शौर्य ने भी सिर्फ आधा अधूरा जवाब दिया है मुझे। लगता है अब मुझे खुद इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखने के बाद जब उसे मिलती है तो उसे कितनी खुशी होती है ना मिलसा? और आप तो 20 साल तक इसके लिए रुके हैं, मैं आपकी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वैसे बंबाल श्री, हम इस खजाने का नाम क्या रखेंगे? जयगाज ने कवक के अंडे को इतना मजबूत बनाया था कि उसे तोड़ने के लिए हमें लिम्पार मछली की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, और ये हमारी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन के आया है, तो क्यों ना हम इसका नाम किरण रख दें? आओ मिलसा, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। आपके साथ रहते रहते मुझे आपके सारे सपनों और आपकी सारी सोच की अच्छे से समझ हो गई है। जयकाज का ये बेटा 20 साल बाद हमारी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, इसलिए इसका नाम होगा रे। रे, रे। बहुत खूबसूरत नाम है रे। आपके दिमाग की जितनी भी तारीफ करूं मैं कम है। आप महान हैं, पूरा जहान है, आप अनुपम हैं और आपके आगे सब कम है। ये क्या हो रहा है इसे? जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। खरे सोने की परख,
उसकी पीली चमक होती है। बंबाश्री, इसकी तो सांसें रुक रही हैं, ये मरने वाला है। यही सोचा था आपने? ये क्या पहेली है? मिलसा, ये 20 साल से कवक के अंडे में था, अब जब ये बाहर आया है तो इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब हम क्या करेंगे बंबाश्री? नहीं, इसका दम घुटने से ये मर ना जाए। सब्र मिलसा, सब्र। इसके शरीर से कवक के असर को दूर करने का उपाय भी है मेरे पास। अमृत कुंड, अमृत कुंड, अमृत कुंड। बीस साल पहले क्या हुआ था उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए मुझे वीर लोक के इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। बालवीर, तुम यहाँ कैसे? अब क्या करूँ, दुबा डुबा के सामने वहाँ तक कैसे जाऊँ? मैं वो, अरे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वीर लोक की पूरी सैर करवा सकता हूँ। नहीं नहीं डुबा डुबा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी जगह है? वो है स्तूप ग्रह, वहाँ पर वीर लोक का इतिहास संजो कर रखा है। अच्छा, तो मुझे लगता है हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। अगर मैं अपना इतिहास पढ़ूंगा तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा ना। ये भी ठीक है। चलो 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 डुबा डुबा। अरे मैं लेकर जा रहा हूँ ना, मैं भी भूल जाता हूँ। चलो बालवीर, अब वो क्या है ना, स्तूप ग्रह में शौर्य की अनुमति के बिना जाना मना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी शौर्य से अनुमति लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। अरे डुबा डुबा, इतनी छोटी सी बात के लिए शौर्य को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अंदर जाऊंगा तो बालवीर का इतिहास पढ़ूंगा ना। अंदर किताब, बालवीर का इतिहास, ठीक है चले। हाँ चलो 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 बालवीर। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे इंपोर्टेड है भाई, दूर क्या कर रहे हैं आप? हमें जाने दीजिए ना। मिश्रा अंकल, आंटी, ये क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे पूरा पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है यहाँ पे? अनन्या, ट्रैफिक से ज्यादा तो हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। वो सब तो ठीक है, पर आप ये पैराशूट जैसी स्कर्ट पहनकर जा कर रही हैं आंटी? अनन्या, पहली बात आंटी नहीं है हम, दीदी कहो हमें। और दूसरी बात, ये कोई पैराशूट नहीं है, ये अमेरिका से मंगवाई हुई स्पेशल PPOW सूट है। इसे पहनने से लोग खुद ब खुद 12 फीट दूर रहेंगे हमसे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल फॉलो करते नहीं है, इसीलिए रोज नहने के। अरे मिश्रा अंकल, आई एग्री, इस सिचुएशन से बचने के लिए हैंड वॉश करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे बड़े बड़े स्कर्ट पहन के लोगों का रास्ता ब्लॉक करना सही बात नहीं है? विवान बेटा, मुफ्त की सलामत दो, अब हमारी सेफ्टी के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, और इससे किसी को तकलीफ होती हो तो हो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। चलिए जाने दीजिए हम। बताओ, रास्ते में बीच में खड़े हो जाते। विवान, मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक से मानेंगे। I know, अनन्या दीदी। बांबालश्री, ये कुआं? इस कुएं में तो प्रहती रहते हैं, बहुत बच के जाना होगा। सब्र मिलसा, सब्र। मौत को चकमा देने का इंतजाम करके आया हूँ मैं, ये है उनका चारा। मिलसा, जब मैं इशारा करूं तो इस रस्सी को ऊपर खींच लेना। याद रखना मिलसा, मैं अपनी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
आप फिक्र मत कीजिए बम्बाल श्री, मुझे तुमसे यही उम्मीद है मेरी हिंसक सेनापति मिल्सा। मैं रे को ठीक कराने वाला अमृत पिलाकर ही वापस आऊंगा। आ गए हम बालवीर, ये देखो वीर लोक के इतिहास की पुस्तक। दुबाडुबा, तुम सच में मेरे पक्के दोस्त, तुमने शौर्य की डांट से डरे बिना मेरी हेल्प की, इसलिए थैंक यू। अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है बालवीर, मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त बालवीर के लिए शौर्य से डांट खाने का खतरा उठा सकता हूँ। थैंक यू डुबाडुबा, इसी बात पर मैं तुम्हें ढेर सारे लड्डू और मोदक ला कर दूंगा। ओके, लड्डू और मोदक? लेकिन बालवीर मैं ये मोदक और लड्डू के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बालवीर चले वापस, अभी अभी तो आए हैं, कुछ पन्ने तो पढ़ लेने दो मुझे। अरे यहाँ पर हजारों पन्ने, तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पुराना पन्ना, जहाँ पता चलेगा मेरे परिवार का रहस्य। ये रहा कवक के असर को दूर करने वाला अमृत कुंड। मेरा दिल धपड़ धपड़ कर रहा है, चलते ना बालवीर। अरे डुबाडुबा, इसमें घबराने की क्या बात, शौर्य दिवस के मौके पर अपने गौरवशाली इतिहास को जानना ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी मैं अपना इतिहास तो देखना चाहता हूँ, है ना? हाँ फिर सही है। लेकिन डुबाडुबा एक समस्या है। क्या? ये किताब खोलते कैसे है मुझे नहीं पता। अरे मुझे पता है ना, ये तो बहुत आसान है। बालवीर तैयार? ये देखो बालवीर, इसके हर पन्ने पर एक वर्ष का लेखा जोखा लिखा हुआ है। तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पहले के इतिहास का पन्ना। इन सबको भटकाने का एक ही रास्ता है, वो है ये फल। सबके फल खत्म होने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। उन्नीस और ये रहा तुम्हारा 20 साल वाला पन्ना। मुंह खोलो रे।
फंडे का बहुत बड़ा हिस्सा तो उठा दिया गया है। इतनी देर हो गई, बंबाल श्री अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए? कहीं उन खतरनाक जानवरों ने उन पे हमला तो नहीं कर दिया? ये कैसे हो सकता है? इस पन्ने का कुछ हिस्सा तो गायब है। बालवीर, मैं शौर्य को बताकर आता हूँ। कोई हमारा इतिहास बता रहा है, तुम रुक जाइए, मैं अभी शौर्य से बात करके आता हूँ। डुबा, सचो, हमने आज कितने सारे नियम तोड़े हैं। बिना शौर्य की आज्ञा लिए यहाँ पे स्तूप गृह में आए, फिर बिना परमिशन के इतिहास की किताब के पन्ने खोले, और फिर 20 साल पहले का इतिहास उसमें से गायब है, तो फिर इल्जाम किस पर लगेगा? किस पर लगेगा? अरे हम दोनों पर। दबर, 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 दबर। और हो सकता है शौर्य आजीवन के लिए तुम्हारे लड्डू खाने पर प्रतिबंध लगा दे। नहीं, नहीं। मैं ये सजा कभी नहीं सह पाऊंगा। हाँ तो डुबा डुबा, मुझसे प्रॉमिस करो इस बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे, ओके? किसी को नहीं, किसी को नहीं बताना है। ये तो रस्सी ऊपर खींचने का इशारा है। बहुत खूब रे, बहुत खूब। लाख लाख शुक्र है कि आप और आपका ये हथियार सही सलामत है। आपने देखा लोग कितना जल रहे हैं हमसे। गवर्नमेंट और डॉक्टर्स की अपील तो इग्नोर ही किए जा रहे हैं ये लोग। अब तो इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का स्ट्रॉन्ग मैसेज देना ही पड़ेगा। 6 फीट की दूरी बन जाए कंपलसरी। मैं पीछे कैसे चले गए? क्यों जा रहे? आइए ना। हाँ। ये क्या हो रहा है? हाय हाय, मैं फिर से पीछे कैसे आ गई? इधर भूत वूत तो नहीं है ना? क्या मित्रा जी, आपको हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? इधर आइए। गणपति बापा मोरे, गणपति बापा मोरे, मंगल मूर्ति मोरे। अरे ये बार बार एक्शन रिप्ले क्यों हो रहा है मॉम? विवान, ये क्या कर रहे हो? ऐसे ब्रॉड डेलाइट में मैजिक? लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देना भी तो जरूरी है ना? आई अंडरस्टैंड विवान, आई नो लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हर चीज में तुम ऐसे मैजिक का डंडा नहीं चला सकते ना। अब देखो, मुझे मॉम से फ्रूट के बैग लेके क्वारंटीन सेंटर जाना था, लेकिन तुम्हारे मैजिक की वजह से मैं वापस से रिवाइंड होके अपनी जगह पे ही जा रही हूँ। यू आर राइट अनन्या दीदी, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी अपना मैजिक हटा देता हूँ, ओके? हटा दिया। अब
खेल रहा है, जा घर जा ना, घर जाके कुछ खा ले बेटा। हाँ। और अनन्या तुम अभी तो क्या हो, क्वारंटाइन सेंटर नहीं चलना क्या? हाँ आंटी, वो मैं बस मॉम से फ्रूट का बैग लेने आई थी। अब वैसे मम्मी देबू भैया भी क्वारंटाइन सेंटर गए हुए हैं, तो आपके प्लीज उन्हें कह देंगी कि वो भी जल्दी घर वापस आ जाए, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी, पर तुम घर जाओ। हाँ। जाना। आते हैं। रे को देख के ऐसा लगता है कि उसके ऊपर का कमरा खाली है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी समझ कैसे आई कि उसने उन खतरनाक जानवरों को रोकने वाला फल उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था? शिकारी है ये, और शिकारी को शिकार करना कोई नहीं सिखाता, कुदरत उसे सब सिखा कर ही बेचती है। ओ, तो चलने से पहले उसने लड़ना सीख लिया, लेकिन अभी हमें उसे बहुत कुछ सिखाना बाकी है, और बोलना सबसे पहले। सब्र मिलसा, सब्र। ये बोलना भी सीखेगा और सबकी बोलती बंद करना भी, लेकिन उससे पहले हमें इसके शरीर से इस कवक के असर को पूरी तरह दूर करना होगा। लेकिन बंबाल श्री, अमृत के असर से उसके जिस्म में फैला कवक का जहर तो उतर जाना चाहिए था ना? कवक का असर बहुत खतरनाक होता है मिलसा, अमृत कुंड के अमृत से उसका असर उतर तो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। रे के शरीर से इस कवक के असर को पूरी तरह दूर करने के लिए हमें उसके शरीर में एक महाताकतवर का खून डालना होगा। तो हम इस महाताकतवर को कहां ढूंढेंगे? सब्र मिलसा, सब्र। इस काम के लिए मैंने पहले ही अपने एक सिपाही को धरती लोक पर भेजा है। क्या खबर है प्रेक्षक? बंबाल श्री, वो प्रेक्षक तो अपना भी मारा गया। आप हंस रहे हैं? जरा सोचो मिलसा, जिसने प्रेक्षक का ये हाल किया वो कितना ताकतवर होगा। लेकिन अब जरा ये भी सोचो, अगर उस महाताकतवर का खून हमने रे के शरीर में डाल दिया तो इसकी ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब रे बनेगा इस संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार। हाँ मिलसा, लेकिन अब तुम मुझे यह बताओ कि धरती तक जाने के लिए जो खुफिया रास्ता मैंने तुम्हें बनाने के लिए बोला था वो तैयार है? बंबाल श्री, आपके किसी भी हुक्म को पूरा करने में मैं एक पल की भी देरी नहीं लगाती, वो खुफिया रास्ता तैयार है। बस अब धरती पर उस महा खतरनाक का खून मिल जाए, उसके बाद रे के साथ मिलकर इस दुनिया पर मैं करूंगा राज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।